सो हे गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट आवर होस्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अपनी सी पैनल के थ्रू मैन्युअली वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर को लस का एरर आ रहा है तो आप अपने वर्डप्रेस को मैन्युअली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट पर जाना होगा। wordpress.org यहाँ पर जाने के बाद आपको गेट वर्डप्रेस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड वर्डप्रेस नाम का एक ऑप्शन होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम इसको कैंसिल करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है अपने में। तो अभी हम आपको एडो में दिखा दें, अभी इस पर हमारा किसी भी तरीके का कोई भी वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। और अभी हम इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे मैन्युअली। तो सबसे पहले हम अपने सी पैनल को लॉगिन करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपने फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे। इधर हम अपने पब्लिक एचटीएमएल को ओपन करेंगे और यहाँ पर अपलोड नेम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फाइल को अपलोड करेंगे जो फाइल अभी हमने डाउनलोड की। तो ये है वो हमारी फाइल जो हमने डाउनलोड कर रखी है। यहाँ पर ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारी वर्डप्रेस की फाइल अपलोड हो चुकी है। हम यहाँ पर रिफ्रेश करके देख लेंगे। तो ठीक है, हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है, अभी हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमारी वर्डप्रेस की फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अभी हम वर्डप्रेस के फोल्डर को ओपन करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट ऑल करेंगे और मूव पर क्लिक करेंगे और यहाँ से वर्डप्रेस को रिमूव कर देंगे और अपनी सारी की सारी फाइल्स को पब्लिक एचटीएमएल के अंदर मूव कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी फाइल यहाँ पर मूव हो चुकी हैं। अभी हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे क्या आता है। यहाँ पर ये हमसे वर्डप्रेस का सेटअप करने के लिए पूछ रहा है तो हम यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश ही रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, लेट्स गो पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारे डाटाबेस का नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डाटाबेस होस्ट, टेबल प्रीफिक्स पूछ रहा है। तो अभी हम अपने सी पैनल में जाकर एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर डालेंगे। पर हम MySQL डाटाबेस विजार्ड से डाटाबेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर क्रिएट डाटाबेस यूज़र क्रिएट करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड हम रैंडम जनरेट किए ले रहे हैं। आई हैव कॉपीड दिस पासवर्ड इन अ सेफ प्लेस, यूज़ पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर पासवर्ड फिल हो जाएगा। क्रिएट यूज़र पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ऑल प्रिविलेजेस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा यूज़र नेम, डाटाबेस और पासवर्ड तो मेरा कॉपी है तो यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे, यूज़र नेम और डाटाबेस हमारा सेम सेम है। अगर आपका सेम नहीं है तो आप अलग अलग डालेंगे, तो मेरा सेम है तो मैं सेम सेम दोनों में पेस्ट कर दूंगा।
उसके बाद सबमिट पर क्लिक करूँगा, रन द इंस्टॉलेशन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमारी डिटेल पूछ रहा है साइट टाइटल, तो यहाँ पर हम डेमो डाले दे रहे हैं। यूज़र नेम में एडमिन, पासवर्ड हम यहाँ पर अपना डालेंगे। यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, जो कि अभी मैंने इसको मैन्युअली इंस्टॉल किया है।